तो देखो ये प्यारे बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बेसिकली देखोगे तो तुम बड़े आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। कहते हैं कि पहला एसर्शन ये है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो वेव नेचर शो करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल हो गया और वेव नेचर वो भी शो करता है। तो कुल मिला के अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन शो करता है, और इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया था? डिविजन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट है डिविजन एंड जर्मर, और इसके लिए उनको नोबल प्राइज मिला था, और उन्होंने सक्सेसफुली वेरीफाई किया था कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आप ही पढ़े होगे थियोरी, तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, और सेकंड फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो ये तो गलत है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल थियोरिटिकल क्वेश्चन है।